सो गाइस, ये है मेन सैमसंग गैलेक्सी आने वाला ब्रांड न्यू बॉक्स गैलेक्सी M32। जी हाँ, इसी के करेंगे हम आज हम अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीछे इसी फोन के कुछ हाइलाइट वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं आपको। नीचे आपको यहाँ पे बॉक्स के नीचे आपको मिल जाता है मेक फॉर इंडिया का लोगो। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है कलर वेरियंट और रैम वेरियंट। जी हाँ, नीचे की तरफ अगर बात करें तो नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है इसी के प्राइस वगैरह कुछ और डिटेलिंग के बारे में। फिलहाल यहाँ पे बिना देरी करे सील को करते हुए ब्रेक करते हुए बॉक्स को ओपन। तो फिलहाल इसी सेक्शन के अंदर हमें मिलता है ये कुछ आई थिंक पेपर वर्क में। जी हाँ, इसमें आपको पेपर में मिलने वाला है, कोई भी आपको बैक कवर नहीं मिलने वाला। नीचे रखा हुआ स्मार्टफोन जो कि हमारा इसी लाइटिंग कलर लाइट ब्लू कलर के साथ में प्रोटेक्शन रिमूव करते बूट करेंगे रखें साइड में। नीचे बात करते हैं, नीचे आपको मिल जाता है 50 वोल्ट का फास्ट अडेप्टर जो कि बहुत ही फास्ट अडेप्टर होने वाला है फ़ोन की चार्जिंग के लिए। फिलहाल नीचे बात करें, नीचे आपको टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाती है फ़ोन की चार्जिंग में हेल्प करने के लिए। लुक एंड डिज़ाइन की फर्स्ट लुक बात करें तो यार प्रीमियम लुक लगने वाली है। प्लास्टिक जो फ्रेम है उसके साथ में आने वाला है। कैमरा डिज़ाइन सैंपल सभी जो भी रिसेंटली सैमसंग लॉन्च कर रहा है उनमें सभी चीज़ आपको एक स्ट्रेट लाइन एक पैटर्न सेम ही मिलने वाला है। प्लास्टिक बॉडी के साथ में तो काफ़ी ग्लोसी ब्लिक लगने वाली है, एक अच्छी चीज लगती है। कलर आपको दो मिलते हैं इसमें, एक ब्लू लाइट ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर। तो दोनों कलर काफ़ी अच्छी हैं और फर्स्ट हैंड और फर्स्ट फील जो आप हाथ में यूज़ करते तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। पीछे का पैटर्न है वो काफ़ी ग्लोसी लुक और एक बढ़िया ग्रेडियंट के नीचे आपको सैमसंग के लोगो मिल जाती है। ऊपर आपको कैमरे का 4 कैमरे का सेट मिल जाता है विद LED फ्लैश मिल जाती है। यहाँ पे थिकनेस की बात कर सकते हैं आपको 9 mm की मिलती है तो सोल काफ़ी अच्छी थिकनेस होने वाली है। वेट की बात करें वेट आपको 196 ग्राम होने वाली है। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो फ़ोन है उसको आप वन हैंड यूज़ करने में काफ़ी ही यूज़फुल और काफ़ी ईजिली होने वाला है, काफ़ी अच्छा लगने वाला है वन हैंड में अगर आप बात करते हो यूज़ करते हो तो वन हैंड फिर, क्योंकि बेजल सिस्टम आपको काफ़ी कम मिलते हैं जिससे आपकी स्क्रीन है जो बहुत ही प्रीमियम और ऊपर जो आपकी यहाँ पे यू डिस्प्ले कटिंग में कैमरा डिज़ाइन दिया गया तो उससे आपकी डिस्प्ले बहुत ही प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगने वाली है। जी हाँ, ये कैमरे का सेटअप बहुत ही अच्छा दिया गया है इसमें जिससे आपकी स्क्रीन और भी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। डिस्प्ले आपको यहाँ मिल जाती है 6.4 इंच की फुल HD प्लस विद रेजोल्यूशन रेफ्रेश रेट मिलता है आपको 90 रेफ्रेश रेट मिलता है। तो 90 रेफ्रेश होने के बावजूद जो डिस्प्ले है वो फुल HD होने में फुल AMOLED डिस्प्ले इन्फिनिटी यू तो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही प्रीमियम लगने वाली है। कलर्स वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे एकदम वाइब्रेंट लगने वाले हैं। ब्राइटनेस यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ मिलती है इंडोर आउटडोर में यूज़ करने के लिए। आपको यहाँ 8000 निट्स ब्राइटनेस मिलती है तो ब्राइटनेस आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी मिलती मिलने वाली है। डिस्प्ले में आपको कोई भी आपको यहाँ ब्लरिंग वगैरह इशू नहीं दिखने वाला, ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ होने वाली है सैमसंग की तरफ से। फिलहाल आगे और भी बात करें इसके राइट साइड में सिम ट्री की बात करें, सिम ट्री आपको ट्रिपल स्लॉट की सिम ट्री मिलती है जिसपे आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड एक टाइम पे 1 TB एक्सटेंड कर सकते हो। उसके साथ ऊपर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिल जाता है डेफिनेटली राइट साइड में आपको मिल जाता है। पावर लॉक एंड अनलॉक की वॉल्यूम अप एंड डाउन की, पावर लॉक एंड अनलॉक के लिए आपके फिंगरप्रिंट सेंसर है जिससे कि आप फ़ोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो वो थोड़ा सा आपका स्लो है ये फास्ट चार्जिंग और प्लस में आपका जो फेस और लोग थोड़ा सा आपको स्लो मिलने वाला है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। बॉटम की बात करें 3.5 mm जाएगा टाइप सी पोर्ट प्राइमरी और स्पीकर ग्रिल। पीछे आपको कैमरा सेटअप बहुत ही प्रीमियम बहुत ही अच्छी 64 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के मिलता है और प्लस में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए मिलता है। तो चारों ही कैमरे बहुत ही अट्रैक्टिव बहुत ही प्रीमियम बहुत ही रियलिटी वाली पिक कैप्चर की है। सो आप जरा कमेंट करके जरूर बता। रिकॉर्डिंग की बात करें वीडियो रिकॉर्ड आपको 1080p में 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है। सो वो भी काफ़ी डिटेलिंग अच्छी कैप्चर करने वाली है। प्रोसेसर की बात करें प्रोसेसर आपको डेफिनेटली यहाँ पर लेटेस्ट मिलने वाला है। जी हाँ, MediaTek का G80 एक गेमिंग प्रोसेसर मिलता है जिससे कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे इम्प्रूव मिलने वाला है, पर इस प्राइस रेंज में शायद आपको एक MediaTek G95 प्रोसेसर अगर लगा देते इसमें या होता तो फ़ोन इस प्राइस रेंज में कोई भी इस फ़ोन के टक्कर का फ़ोन नहीं होने वाला था, कंपैरिजन कोई भी फ़ोन नहीं होता। तो यहाँ पे यार फिर भी एक लैग इशू इतना नहीं दिख रहा, काफ़ी अच्छा स्मूथ चल रहा है गेमिंग प्रोसेसर होने के बावजूद। गेमिंग प्रोसेसर के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह सब चीज़ दी हुई है। ये जो 464 में वेरियंट है तो थोड़ा सा आपको लैग का इशू यहाँ पर मिल सकता है। अगर आपको पॉसिबल हो सके तो 6 GB वेरियंट यहाँ परचेज़ करें। बैटरी आपको यहाँ 6000 mAh बैटरी मिल जाती है। तो यहाँ यार फ़ोन में ये बहुत ही एक प्लस बाय था कि आपको यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे अपना इंटरटेनमेंट गेमिंग वगैरह वीडियो रिकॉर्ड और काफ़ी अच्छे अपने यहाँ पे जो इंटरटेनमेंट उसको आप इंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, 25 आवर ऑफ वीडियो प्लेबैक आराम से इसमें कर सकते हो। 20 वोल्ट तक फास्ट चार्जर इसमें आपको सपोर्टेबल मिलता है जबकि 50 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। OS की बात करें OS आपको
यहाँ पे एंड्रॉयड 11 मिल जाता है, जो कि आता है आपके वन यूआई 3.5 लेटेस्ट। यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, नए ओएस का यहाँ पे यूज़ किया गया है सैमसंग ने। तो यहाँ पे यार 4 GB होने के बाद भी यहाँ पे फ़ोन थोड़ा सा आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छी स्पीड देता है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होने वाली है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे अपडेट है जो ऑटोमेटिक इसमें मिलते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइव टीवी का भी एक अपडेट मिलने वाला है, जिससे कि आप अपने जो लाइव शो हैं या लाइव कुछ भी आप इंटरटेनमेंट देखते हो, वो यहाँ पे आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो, लाइव देख सकते हो, या आपको बैक एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मिलती है, या और भी आपने जो भी इंटरटेनमेंट आपको अच्छे लगते हो वो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइज यहाँ पे फ़ोन 90 रेफ्रेश होने के बाद भी बहुत अच्छी डिस्प्ले होने वाली है, कलर्स वगैरह सब चीज़ अच्छे है। पीछे एक हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, और जो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, पैटर्न है, वो यहाँ पे मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट, बहुत ही अच्छा लगा। गेमिंग प्रोसेसर जैसे कि पहले बताया कि इसमें अगर मीडिया टेक का G95 हो तो शायद और भी प्लस पॉइंट होने वाला था। अगर पॉसिबल हो सके तो पॉसिबल आप इसका वेरियंट 6 GB वेरियंट खरीदें, क्योंकि 4 GB वेरिएंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक लैग का इशू नज़र आ सकता है 4 GB वेरिएंट में, क्योंकि 4 GB अगर आप ओनली गेम के अलावा और कोई अपडेट नहीं करते तो यहाँ पे गेम अच्छा चलेगा, बट अगर और एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो ज़रूर आपका लैग हो सकता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब